एवरीवन, आई एम स्लोनी धीमान एंड यू आर वॉचिंग स्लोनी धीमान क्लासेस. आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत स्पेशल गिफ्ट, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो प्लस टू कॉमर्स के और आपके बोर्ड एग्जाम्स आफ्टर टू मंथ्स हैं, तो ये गिफ्ट तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा. सो विदाउट एनी फर्दर डिले आई शुड शो यू द गिफ्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. दिस इज द गिफ्ट. अब आप बोलोगे बुक. यस, ये बुक ही आपके लिए आइडियल गिफ्ट हो सकती है जो कि हेल्प करेगा आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए. लास्ट 7 ईयर्स मैं टीच कर रही हूँ कॉमर्स स्टूडेंट्स को एंड एवरी ईयर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये बुक बाय कर रहे हैं फॉर देयर रिवीजन एंड ट्रस्ट मी रिजल्ट्स आर आउटस्टैंडिंग. तो व्हाई आई एम इंसिस्टिंग यू टू बाय दिस बुक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड टेल यू, ये बुक जो है ये चैप्टर वाइज इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास गिवन होते हैं, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा अगर पार्टनरशिप की मैं बात करूँ, अकाउंट्स की बात करूँ, यहाँ पे आपको क्वेश्चन वाइज दिया है 6 मार्क्स के कौन से क्वेश्चन हैं, 4 मार्क्स के कौन से हैं, MCQs आर ऑल्सो गिवन टू यू. तो आप क्या कर सकते हो, अपना क्वेश्चन अपना चैप्टर प्रिपेयर किया, उसके बाद आप यहाँ पे आके सम्स अपने सॉल्व कर सकते हो. इससे आपको पता चल जाएगा कि जो जिस तरह के बोर्ड के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वेदर यू आर एबल टू सॉल्व देम और नॉट. फिर दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि ये बुक अमेज़न पे बहुत इजीली अवेलेबल है एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस. इसका जो प्रिंट रेट है दैट इज़ 385 रुपीज़, बट अगर आप अमेज़न से बाय कर रहे हो यू कैन गेट इट एट 310 के अराउंड आपको ये मिल जाएगा. अब यहाँ पे आपके 2 मंथ्स रहते हैं बोर्ड एग्जाम्स में एंड एवरी ईयर स्टूडेंट्स दे आर फेसिंग लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन प्रिपेयरिंग फॉर देयर बोर्ड एग्जाम. बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखते हैं या फिर अपने टीचर से या अपने ट्यूटर से कंसल्ट करते हैं एंड एट द एंड वो क्या करते हैं, बहुत सारी बुक रेफर कर लेते हैं जिसके कारण वो कन्फ्यूज हो जाते हैं और उनका जो रिजल्ट है वो डिटेरियोरेट हो जाता है. सो व्हाट यू हैव टू डू, बाकी सारी चीज़ें निग्लेक्ट करके अगर आपने अपना सिलेबस या अपनी जो आपने बुक है एक बार कर ली है पूरी बुक, देन आपको ये वाली जो बुक है वो आपको बाय करनी है एंड यू हैव टू स्टार्ट रिवाइजिंग फ्रॉम दिस बुक. अब हमें ये पता है कि विदाउट अ टीचर कोई भी चीज़ करना बहुत मुश्किल है. सो डोंट वरी, आई एम हेयर. मैं क्या करने जा रही हूँ, From 1st January 2020 onwards, I am going to upload videos on my YouTube channel that is Slowly Dhiman Classes and वो एक revisionary videos होंगी by following this book and आपको मैं guide करूँगी आपने कहाँ से practice करना है this book से. Like मैं आपको concept समझा दूँगी, उसमें से जो important questions है वो समझा दूँगी और जो similar question है that you, questions you have to do it at your home. तो क्या करोगे आप देखोगे विद इन अ मंथ और 1.5 मंथ में आप देखोगे आपका पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. एंड उसके बाद जो आपके पास 10-15 डेज और बचेंगे फरवरी के, तो वो उसमें आप अपने सैम्पल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना और उसके बाद या पेपर में अटेम्प्ट करना, तो आप देखना एट द एंड यू विल रियलाइज कि आपकी स्पीड लिमिट अच्छी हो रही है, जो क्वेश्चंस आपको बोर्ड में आए हैं वो आप ऑलरेडी फैमिलियर होंगे उन क्वेश्चंस के साथ एंड उसको आप इजीली सॉल्व भी कर पा रहे हो. सो अगर आप प्लस टू के स्टूडेंट्स हो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स कि मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, रिविजनरी वीडियोस ऑन यूट्यूब एंड उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट नीड टू हैव दिस बुक दैट सेट और एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ऑब्वियसली ताकि आप वो यूट्यूब वीडियोस देख के ये बुक के थ्रू रिविजन कर सकूँ. और अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि उनको भी ये चीज़ का बताएं सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस. फ्री ऑफ चार्ज है, आई एम नॉट चार्जिंग एनी फीस फॉर दिस. द ओनली पर्पस इज आप अपना बोर्ड एग्जाम क्लियर कर पाओ एंड ऑब्वियसली मैं कॉमर्स में बहुत इंटरेस्टेड हूँ शुरू से, सो मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, मुझे अच्छा लगता है कॉमर्स की नॉलेज इम्पार्ट करना. सो अगर आप उन स्टूडेंट्स में हो जिनको अच्छा लगता है कॉमर्स की नॉलेज गेन करना, तो आप ये मेरी वीडियो ज़रूर देखना. आई एम श्योर यू विल लव इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.